हेलो फ्रेंड्स, मैं श्वेता अपने यूट्यूब चैनल इंडियन फूड विद श्वेता में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे मटर पुलाव। फ्रेंड्स, पुलाव सभी को बहुत पसंद है। पुलाव को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बनाया जाता है, लेकिन आज जो हम पुलाव बनाएंगे मटर के साथ बनाएंगे, आई होप आपको मेरी रेसिपी बहुत पसंद आएगी। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं हमारी रेसिपी को। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हमने लिए हैं ये एक गिलास चावल, जो कि पुलाव वाले चावल हैं। अच्छे से हमने चावल को धो लेना है 3 से 4 बार, और उसके बाद हम इनको पानी में भिगो देंगे सिर्फ 10 मिनट के लिए। तो ये हमने लिए हैं बाकी के मसाले। ये हमने कड़ी पत्ता, हरी इलायची, बड़ी इलायची, दालचीनी, काली मिर्च, नींबू और अदरक के टुकड़े और लौंग, ये बारीक कटी हरी मिर्च और काजू, और ये ताज़ा हरी मटर, और ये देसी घी। तो अच्छे से पानी में हमने चावल को वॉश कर लिया है 5 से 6 बार, और उसके बाद हमने इसको 10 मिनट के लिए भिगो दिया था। और अब हम चूल्हे में आग जला लेते हैं। कढ़ाई को हमने चूल्हे के ऊपर रख दिया है। चूल्हे में हमारे अच्छे से आग जल गई है। देसी घी हम डालेंगे 4 से 5 चम्मच। घी के अच्छे से गर्म होने के बाद इसमें हम डालेंगे जीरा। जीरे के अच्छे से ब्राउन होने के बाद इसमें हम डालेंगे हमारे अदरक के टुकड़े, जो कि हमने बारीक बारीक कट कर लिए हैं। और अब इसमें हम डालेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च। अच्छे से इनको भूनेंगे। और भुनने के बाद इसमें हम डालेंगे हमारे खड़े मसाले, जो कि हमने काली मिर्च, लौंग, दालचीनी और तेजपात और बड़ी इलायची और छोटी इलायची ली है। इन सभी को भी अच्छे से हम भून लेंगे। और अब इसमें हम डालेंगे काजू। काजू को भी हम हल्का हल्का भून लेंगे घी में, जिससे जो हमारे पुलाव में काजू का टेस्ट है बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। और अब इसमें हम डालेंगे हमारे भीगे हुए चावल। चावल को हमने घी में भून लेना है अच्छे से। और अब इसमें हम डालेंगे हमारी ताज़ा हरी मटर। अगर आप ताज़ा हरी मटर यूज़ करते हैं तो चावल में इसी स्टेज में आप हरी मटर को डाल देंगे, क्योंकि जो ताज़ा हरी मटर है उसको थोड़ा पकने में टाइम लगता है। और अगर आप फ्रोज़न मटर यूज़ कर रहे हैं तो उसको हम थोड़ा सा देर में डालेंगे। तो आप देख सकते हैं अच्छे से हमने मटर और चावल को भून लिया है लगभग 5 से 7 मिनट के लिए। और अब इसमें हमने डालना है सूखे मसाले। तो सूखे मसालों में हम इसमें डालेंगे पहले गर्म मसाला, और उसके बाद नमक स्वाद अनुसार। उसके बाद हम चावलों को फिर से अच्छे से मिला देंगे मसाले में। ज़्यादा मसाले हम यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि जो शादियों में मटर पुलाव बनता है उसमें ज़्यादा मसाले यूज़ नहीं होते हैं। हमने खड़े मसालों का यूज़ किया है, और नमक और गरम मसाले का। अब जिस गिलास से हमने चावल मेज़र किए थे उसी गिलास से हम 1.5 गिलास पानी डालेंगे, क्योंकि हमने 1 गिलास चावल लिए थे तो हम 1.5 गिलास पानी डालेंगे। इससे जो हमारे चावल खिले खिले बनेंगे। और अब इसमें हमने 1 नींबू का रस डाल देना है, जिससे जो हमारे चावल बिल्कुल खिले खिले बनेंगे। पानी को हम वीडियो में शूट करना भूल गए हैं। और अच्छे से पानी को गर्म होने के बाद हम इसको ढक देंगे 5 मिनट के लिए। तो 5 मिनट के बाद एक बार हम इसको चेक करेंगे कि हमारे चावल अच्छे से पके हैं या नहीं। तो आप देख सकते हैं अभी पुलाव में थोड़ा पानी बचा हुआ है। हल्के हल्के हाथ से हम इसको चलाएंगे धीरे धीरे। तो अभी इसमें थोड़ी कसर बाकी है, तो हम इसको 5 मिनट के लिए फिर से ढक देते हैं। आंच को हमने धीमा रखना है, जिससे हमारे जो पुलाव है बढ़िया से तैयार हो जाए। और 5 मिनट के बाद हम फिर से हमारे पुलाव को चेक करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पुलाव बिल्कुल रेडी हो गए हैं, बिल्कुल भी पानी इसमें नहीं बचा है। और अब हम हमारे पुलाव को चेक करेंगे तो आप देख सकते हैं अच्छे से ये पक गए हैं। और अब हम इसको चूल्हे से नीचे उतार लेंगे। आप देख सकते हैं कितने बढ़िया हमारे पुलाव तैयार हुआ है।
एकदम खिले खिले हमारे पुलाव तैयार हुए हैं और पुलाव को हमने चूल्हे से नीचे उतार लिया है। एकदम परफेक्ट हमारा पुलाव तैयार हुआ है और अब इसको हम एक प्लेट में सर्व कर लेते हैं। आप इस पुलाव को सब्जी दाल किसी के भी साथ सर्व कर सकते हैं। एकदम खिला खिला पुलाव रेडी है खाने के लिए। फ्रेंड्स, हमारे मटर पुलाव बिल्कुल रेडी हैं और एकदम से परफेक्ट हमारे मटर पुलाव रेडी हुए हैं, बिल्कुल खिले खिले। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। थैंक्स।